this is Mrinalini, and my husband is he went into the ventilation. वो ventilation में गए थे high BP की वजह से, और उनको ना 4 दिन तक ventilation पे थे, because doctors all they said it's over. आप जिनको बोलना है कि बोल दो, आप रिश्तेदारों को. पर मेरी सासू माँ वो घर पे अभिषेक कर रही थी आदिनाथ प्रभु की, और मैं मंत्र पढ़ रही थी हॉस्पिटल में. ऐसे वक्त आया कि मैं मंत्र भी नहीं पढ़ सकती दोस डेज. सो व्हाट हैपन, आई चैलेंज टू गॉड, आप पढ़ो, आप अब मेरे हस्बैंड के लिए आप पढ़ो. तो मेरे कानों में उनकी आवाज़, भगवान की आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही कि वो पूरा मंत्र, भक्तंबर का मंत्र और रिद्धि श्लोक पूरा मैं भी नहीं पढ़ती थी कि मंत्र और रिद्धि, ओनली श्लोक का मैं पढ़ती थी. पर वो दिनों में ना, उन 3 दिनों में, पहले 3 दिनों में मेरे कानों में मंत्र, रिद्धि और श्लोक तीन मेरे कानों में गूंज रहा था प्रभु की आवाज़ में. और मैंने बोला कि मेरे कानों में नहीं, मेरे हस्बैंड के कानों में आप जाके बोलो. जब वो, मेरे को नहीं पता कि उनके कानों में ये आवाज़ गूंज रही है. जब वो घर पर आए थे तब उन्होंने बोला कि किसी ने, कोई आके मेरे कानों के पास ऐसे मंत्र पढ़ रहे थे. तो एवरीवन वाज शॉक, कैसे हुआ. और वो उनको, जब वो नींद में थे तब उनको स्वप्न में आया कि कोई आके वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, टूम्ब बनाया था उनके लिए, तो उसमें से उठा के लेके आके उनको बेड के ऊपर सुला के उनके सिर पे ऐसा मसाज कर रहे हैं, वैसा उनको सपने में दिखा. He was really, 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 it's a fantastic miracle. ऐसा किसी के साथ हुआ कि नहीं, पर मेरे और मेरे फैमिली के साथ ये हुआ. This is because all of this Bhaktambar of Udbhutabhishana. So I trust, I believe everything in my, आज मैं जो भी हूँ इसकी वजह से, भक्तांबर की वजह से. और आप क्या बता रहे थे कि आपकी मदर इन लॉ घर पे वो मंत्र कार्ड का अभिषेक, कंटिन्यूस अभिषेक टिल 4 डेज, वो अभिषेक कंटिन्यूसली वो अभिषेक कर रही थी. तो जस्ट हम लोगों ने वो कार्ड का, जो मंजू दीदी ने कार्ड दिया था, उनको हमने लैमिनेट करके हमारे भगवान के रूम में रख के उसको ही हम लोग कंटिन्यूसली अभिषेक कर रहे थे. तो सब लोगों ने ऐसा बोला कि वो वहाँ पे हॉस्पिटल में है, ये लोग पानी से ये पूजा कर रहे, इससे क्या होगा. पर जब सब कुछ हुआ तो सब लोग ने लाइक एवरीवन वाज शॉक, ऐसा भी हो सकता है क्या, भगवान को इस तरह अभिषेक करने से और मंत्र पढ़ने से ऐसा भी होगा क्या. सो नाउ मेरी माँ और मेरे पूरे फैमिली इसको बिलीव करती है. उनको जो भी कुछ भी तकलीफ होती है तो वो मंत्र पढ़ लेते हैं. और मेरी बड़ी सासू माँ, उनको जो भी पैरों का उनको तकलीफ है, जब भी उनको ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो ये मंत्र पढ़ लेते हैं. शी बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. माई मदर इन लॉ, शी सपोर्ट मी अ लॉट, लाइक शी इज मोर देन माई मदर. वाह, चलो अच्छा है. ओके, थैंक यू.